Yes, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, Mary Pretty. Yes, beta. Ready? Good morning, sir. Good morning. Yes, hurry up, beta. Hurry up. Good morning, sir. Good morning. चलिए लिसन सर, धुंधला दिख रहा है क्या बेटा? बोर्ड दिख रहा है एकदम। हाँ, ये थोड़ा सा रफली हो रहा है, डर्टी लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। रेडी बेटा? चलिए, वी आर गोइंग टू स्टडी। गुड मॉर्निंग सर। यस, यूनिट थर्ड, टॉपिक नाउन, नंबर एंड जेंडर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए लेसन, लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले आपको देख बताएंगे नाउन। जैसे कि आप जानते हैं, स्पाइट ऑफ आपका रिवाइज हो जाएगा और जहां पे जरूरत होगी आई विल टेल यू अगेन। नाउन, राइट? एज यू नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि आप जानते हैं, नाउन का जो है आपका डिफिनेशन, जैसे कि जानते हैं नाउन, तो नाउन इज द नेम of person, place or yes, आपको things बोलते हैं। Noun is the name of person, place or things। ये आप सब जानते हैं, definition very simple। Nouns kinds में देख लीजिए, आपका इसमें जो है, आपके ध्यान देंगे आप, पहला इसमें आता है proper noun, P-R-O-P-E-R, proper noun। दूसरा आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, common noun। तीसरा आता है collective noun। और आपके चौथा आता है material noun, right? ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन हो गया। इसको हम देखते हैं और इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर, ए बी एस टी आर ए सी टी, एब्स्ट्रैक्ट आपका नाउन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ए फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन ये सब आप जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज जाएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लिसन, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या, व्हाट इज? तो प्रॉपर नाउन मीन्स एनी नाउन व्हिच इंडिकेट ओनली नेम, दैट नेम में बी लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर। जैसे ले लीजिए आप, आपको हमने ये बताया प्रॉपर नाउन का मतलब केवल नेम से मतलब है। जैसे आपको दे दिया गया है, राम हो गया आपका, गीता दे दिया गया है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है, बलिया लिख दिया गया है, और भी हो सकता है। जैसे आपको दे दिया गया है एच आई एन डी, हिंदुस्तान टाइम्स, आप देख रहे हैं ना, राम, गीता, बलिया, हिंदुस्तान टाइम, दीज आर ओनली नेम्स, दैट मे बी एनी लिविंग आर नॉन लिविंग क्रिएचर, एनी बिल्डिंग्स, एनी कंट्रीज, नेम से मतलब है। यस स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग मी? हेलो, यस सर,
यस वेरी गुड यस सर यस वेल डन बेटा. तो ये आपका प्रॉपर नाउन रहा. अब आगे देखिएगा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स इंडिकेट टुवर्ड्स वंस टाइप रेस. वंस टाइप रेस का मतलब है एक ही प्रकार के जाति की ओर, एक ही प्रकार के प्राणी की ओर जो है संकेत करता है. दूसरा इसका इंडिकेशन होता है इट आल्सो चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. ऐसे आपको दे दिया गया है, जैसे आपका दिया है बॉय राइट. तो इसको हम जो है बॉयज कर सकते हैं राइट. ये ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या कर दिया बॉयज. इससे और भी वर्ड आ सकते हैं. जैसे आपको दे दिया गया है टेबल, इसको हम क्या लिख सकते हैं टी ए बी एल एस. तो लाइक दिस यू कैन चेंज द कॉमन नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं. इसकी यही खासियत है कॉमन नाउन इंडिकेट वास वंस टाइप रेस. एक ही प्रकार के प्रजाति की ओर जाति की ओर इंडिकेट करता है. तो ये आपका रहा कॉमन नाउन. अगला देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन इंडिकेट टुवर ग्रुप. ध्यान दीजिए माय वर्ड. कलेक्टिव नाउन इंडिकेट टुवर ग्रुप समूह का इंडिकेशन देता है. जैसे आपको दिया गया है ए आर एम वाई. ध्यान दीजिएगा आर्मी. आर्मी क्या है सेना का एक समूह होता है, ग्रुप होता है. ध्यान दीजिएगा आगे दिया गया है आपका मोब. ध्यान दीजिएगा मोब दिया गया है भीड़ होता है, भीड़. तो इस तरीके से वर्ड दोज वर्ड हु इंडिकेट ओनली ग्रुप्स, केवल ग्रुप की ओर इंडिकेट कर देंगे. तो दिस टाइप द नाउन अंडर द कलेक्टिव नाउन. अगला देखिएगा मैटेरियल नाउन क्या होता है. इस नाम से ही आप जानते हैं मैटेरियल मीन्स पदार्थ. That noun to indicate or any type material, जो पदार्थ की ओर. That आप जानते हैं जैसे आपका air दे दिया गया है, ice है, soil है, आपका pulse दे दीजिए, rice रख लीजिए, silver कर दीजिए, gold कर दीजिए. Yes, these all things are under the material noun. Material noun. Yes, yes बेटा. तो आपका oil दे दिया गया है. Like this also water. या आपका राइस कर सकते हैं. इस तरीके से अलॉट ऑफ मैटेरियल यू कैन सी एवरीवेयर एनीवेयर. तो ये सारी चीजें जो है आपको मैटेरियल नाउन के अंदर आएंगी राइट. अब देखिएगा ये अवस्टेक नाउन क्या होता है. ध्यान दीजिए अवस्टेक नाउन मींस गुणवाचक, जो आपके क्वालिटी को शो करता है राइट. जैसे अवस्टेक नाउन में ले सकते हैं ऑनेस्टी H O N E S T Y राइट. ऑनेस्टी क्या शो कर रहा है योर बोलिए गुण है. यस बोलो बेटा सर. फीलिंग्स होता है उसमें. फीलिंग हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. फीलिंग्स हो सकती है. जैसे आपको दे दिया गया है एंगर. एंगर जो होता है ए एन जी आर क्रोध. तो क्रोध को हम क्या करते हैं देखते नहीं महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. तो वही दिया गया ऑनेस्टी है, एंगर है, हैप्पीनेस है, आपका चाइल्डहुड है. ये सारी चीजें क्या आती हैं अबस्ट्रैक नाउन. अबस्ट्रैक नाउन यस. तो ये आपने देखा अबस्ट्रैक नाउन. अब हम जानेंगे कि हाउ वी चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल राइट. हम इसको सिंगुलर से प्लूरल जो है कैसे बनाएंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग रिलेटेड पर जैसे कि आपके बुक में दिया है. टेल मी व्हाट आई हैव टॉट यू अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन. एनी टाइप यू आर फीलिंग डिस्टर्बेंस और ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो टेल मी. सर आ गया सब समझ में. आ गया सर. राइट सर आ गया सब समझ में. वेरी गुड. आगे देखो आप कैसे इसको जो है हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करेंगे. We are going to discussing the next. With using SES. ये सब serial wise आपको आएगा. Don't mind. Just wait. Yes. Yes. जैसे आपके book होगा, book आपके पास, उसमें देखेंगे. नहीं होगा तो आपको हम यहाँ teach करें, यहाँ देखें. Don't mind. जैसे इसमें दे दिया गया है, इस आपके book में बना हुआ है 3 column. इसको देखिए, आपको इसे और easy हो जाएगा.
इसे समझने में आपको इजी होगी। रूल हो गया, ये आपका हो गया सिंगुलर, सिंगुलर यस, और यहाँ पे कर दीजिए प्लूरल, यस, पी एल यू आर एल प्लूरल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला रूल दिया गया है बाई, ध्यान दीजिएगा सब बुक में दिया गया है बाई एडिंग, यस एस। आप एस क्या करना होगा ध्यान देंगे आप, जैसे आपको दिया गया है बॉय, राइट, ध्यान दीजिएगा ये बॉय दिया गया है, दिस टाइम दिस नाउन इज सिंगुलर, राइट। इसमें हमें क्या करना है, इसको प्लूरल में चेंज करना है, ओनली क्या एस लगा देना है, यस देना है, एस लगा देंगे, एस लगा देंगे, यस आप बॉय, राइट। तो इस तरीके से कितना होगा, और भी इसमें वर्ड दिए दिए गए हैं, आपका दिया गया है ट्राई, इसमें तुरंत आपको जो है ट्वाइस, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिएगा, यस सर कर लेंगे, सेकंड नंबर है बेटा, ज्यादा आवाज नहीं क्योंकि बाकी और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको डिस्टरबेंस होगी, जब आपसे कहेंगे तो प्लीज आप आंसर दीजिए, अदरवाइज लिसन केयरफुली। अब ये दे दिया गया है कि बाय एडिंग ईएस, ये आपको दिया गया बाय एडिंग ईएस, अब कहां जोड़ेंगे, इसमें कुछ रूल्स है ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनके लास्ट में, जैसे इसको लिख सकते हैं एंडिंग, ध्यान दीजिएगा एंडिंग किससे आपका एक्स दिया गया है, और आपके बुक में सब दिए गए हैं सी एच है, एस है, एस एच आपको दिया गया है, और डबल एस दिया गया है, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, लिसन अगेन, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे कि ये दिया गया कि बाई क्या चीज, इसमें दिया गया कि ई एस, ई से जोड़ना है, कब जोड़ना है, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनके लास्ट में क्या दिया होगा आपका एक्स, सी एच, एस, एस एच और डबल एस, इसमें से कोई सा भी आपका कंसोनेंट लास्ट सर बॉक्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें आपके बुक में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू ए एक्स, देखिए इसमें देखेंगे कोई ऐसा जो है लेटर इसके लास्ट में है क्या, तो देखिए यहाँ भी एक्स लिखा है और यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है, इसमें जोड़ना क्या है आपको हमने बता रखा है, ई एस जोड़ना है, तो आपको डब्ल्यू ए एक्स ई एस कर देना है। और भी एक आध एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपको दिया गया है मैच, एम ए टी सी एच, इसमें सी एच दिया है लास्ट में, यहाँ भी आपको जो है सी एच दिया गया है, एम ए टी सी और एस हो जाएगा, तो लाइक दिस यू कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। चलिए और देखते हैं, इसके अलावा और भी रूल्स आएंगे, जहां पे आपको डाउट हो प्लीज आस्क, अदरवाइज लिसन केयरफुली साइलेंट मोड, ओके सर, ओके, यस। नेक्स्ट नंबर आपको आ रहा है, अब जैसे बुक में आपको दिया गया बाई चेंजिंग वाई आई एन ई एस, जैसे आपको दिया गया है बाई चेंजिंग वाई इन आई और उसमें दिया कि एंड एडिंग ई एस, और इसके साथ साथ इसमें कब ऐसा करना ध्यान दीजिएगा, इसमें ए दिया गया है कि नाउन एंडिंग विद द कंसोनेंट एंड वाई, एंडिंग एंडिंग कंसोनेंट, उसके बाद एंड वाई, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जैसे आपको दिया गया है चेरी, राइट, ये ध्यान दीजिएगा, by changing in I, जैसे y दिया गया है, y अगर लास्ट में y दिया है और y से पहले यहां पर just before I अगर consonant है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि y को हटा करके I कर देना है और उसके बाद es जोड़ देना है, तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो सी एच ई डबल आर दिया है, वाई हटाएंगे, इसमें हम आई कर देंगे और जस्ट आफ्टर ईएस, यस ईएस जोड़ देना है, तो मुझे लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके बुक में दिया गया है पी ए आर
टी वाई, राइट। तो जैसे लास्ट में आपका वाई दिया गया है, वाई आपको हटा देंगे, यहाँ पे आई करना है और ई एस जोड़ देना है, तो लाइक दिस ईयर पी ए आर टी आई और ई एस हो जाएगा, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कई बार जो है वाई से पहले यहाँ पे वावेल भी आ सकते हैं, एंड करेंट टाइम यू कैन सी हियर दैट ऑलरेडी गिवन बिफोर वाई कंसोनेंट, कंसोनेंट दिए गए, तो जब कंसोनेंट होगा वाई से पहले तो आपको आई ई एस जोड़ना है, अगर इससे पहले वावेल होगा तो उसमें वाई को हटाना नहीं है, केवल एस जोड़ देना है, वो आगे आपको रूल में आएगा। फिलहाल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इफ द वर्ड इज एंडिंग विद आई एंड बिफोर द वाई, राइट, बिफोर द वाई इफ गिवन द कंसोनेंट, इन दैट केस यू हैव वाई रिमूव यूज आई ई एस, ये आपको एड करना होगा, ध्यान देना होगा, तो इस तरीके से आपको करना है। और देखिए नेक्स्ट, ये सब आपके बुक में दिए हैं, आप वहां भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए बेटा, किसी की आवाज आ जाए प्लीज, बी क्वाइट एंड लिसन ओनली। आप देखिएगा आगे नेक्स्ट नंबर, इसमें हम आपको बता रहे थे आपके ये बिफोर कंसोनेंट, आप देखिएगा, अब जैसे आपको दिया गया है बाय एडिंग एस एंडिंग वाई विथ अ बी ओ डब्ल्यू एल वावेल एंड वाई, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको अगला वर्ड इसमें दिया था, जैसे आपको दिया गया जी ओ वाई, राइट, ये ध्यान दीजिएगा जी ओ वाई, आगे आपको दिया गया है ये आपका डंकी है डी ओ एन के ई वाई, राइट, अभी आपने देखा था ऊपर हम बताए थे बॉय, फिर आपको हम बताए थे अभी टी ओ वाई ट्वाय, इसको ध्यान दीजिएगा जॉय डंकी बॉय और ट्वाय, यू आर सीइंग हियर दैट द लास्ट वर्ड इज वाई, राइट, एंड बिफोर द वाई यू आर सीइंग हियर इन ऑल वर्ड्स गिवन ऑलरेडी वावेल, वाई आप देख रहे हैं ओ दिया है वावेल है, जस्ट जो है बिफोर वाई यू आर सीइंग हियर वावेल, तो अगर वावेल दिया गया होता वाई से पहले तो हमें वाई को हटाना नहीं है, ओनली यू हैव टू एड एस आर प्यूलर, जैसे आपको दिया गया है जे ओ वाई, इसमें केवल एस जोड़ देना है, राइट, यहाँ देखिए डी ओ एन के वाई दिया गया है एंडिंग द वर्ड विथ वाई, बट बिफोर द वाई यू आर सीइंग हियर वावेल, ई दिया गया है, दिस इज द वावेल एज यू नो ऑलरेडी, तो इसको भी आपको चेंज करना होगा प्यूलर में, तो डी ओ एन के ई वाई एस कर देना है, ये ध्यान देना है वावेल्स पे चल रहे हैं। हियर ऑल्सो जैसे बॉय दिया गया, यू कैन सी हियर द वाई एंड जस्ट बिफोर गिवन द ओ इट मींस वावेल, ऑल्सो आपको चेंज करना होगा, आप बॉयज कर देंगे, इसी तरीके से आपका ट्वाय दिया गया है, ये आपका ट्वाइज हो जाएगा, तो लाइक दिस यू कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। नेक्स्ट, अगला आपका नेक्स्ट रूल आ रहा, ध्यान दीजिएगा, बाय एडिंग ई एस टू द नाउंस एंडिंग विथ ए कंसोनेंट एंड ओ, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई नाउन है बाय एडिंग, चलिए इसको लिखते भी हैं, जिनके पास बुक नहीं होगी बच्चे वो इसको लिख भी सकते हैं, एडिंग ई एस, ध्यान दीजिएगा, टू द नाउन एंडिंग्स, नाउन्स एंडिंग विथ ए कंसोनेंट एंड ओ, ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वर्ड जैसे दिया गया, ध्यान दीजिए पी ओ टी ए टी ओ, ये सब आपके बुक में दिया पोटैटो, इसमें दिया गया कि बाई एडिंग ई एस, इसमें एस ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन है क्या
ये दिया गया है द नाउन एंडिंग विथ अ कंसोनेंट एंड क्या चीज ओ, इसमें जो लास्ट में दिया गया है ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखो आप, ये जो वर्ड आपका है यह जो है लास्ट में दिया गया हो और वो से पहले क्या दिया गया है टी, तो ओ तो आपका बावेल हो गया और टी क्या हो गया है कंसोनेंट, तो इसमें सिर्फ ओ के लिए बताया जा रहा, दिस रूल इज ओनली फॉर द एंडिंग विथ ओ, अगर लास्ट में ओ दिया है, ओ से पहले कोई कंसोनेंट दिया गया है तो वहां पे क्या करना है ई एस जोड़ देना है, जैसे आपका पोटैटो दिया गया है तो पी ओ टी ए टी ओ ई एस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला आपको देख लीजिए एम ए एन जी ओ दे दिया गया, ध्यान दीजिए अगला वर्ड, बहुत सारे अलॉट ऑफ वर्ड यू कैन सी एनीवेयर, जैसे एंडिंग विद क्या चीज ओ बट बिफोर द ओ ऑलरेडी गिवन द क्या चीज कंसोनेंट, तो इसमें भी आपको जो है लाइक दिस यू कैन ऑल्सो एड ईएस मैंगोज, ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, तो दिस वाज द ओनली फारू, आगे देखिएगा नेक्स्ट। आगे आपको दिया गया है कि बाय एडिंग एस टू द नाउन एंडिंग विथ ई आई डबल ओ आर ई ओ एंड इन द सम वर्ड्स एंडिंग विथ द कंसोनेंट एंड ओ, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया गया है बाय एडिंग एस टू द एंडिंग आई और ई दिया गया आपका जस्ट आफ्टर डबल ओ दिया गया है, या और क्या हो सकता है ई और ओ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, एंड इन सम वर्ड्स एंडिंग अ कंसोनेंट ओ, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ए दे दिया गया है, जैसे आपको दिया गया एस टी ई आर ई दिया गया है, बल्कि ई ओ सेटेरियो, अब इसको ये करना है आपको कि अगर ऐसे लास्ट में, यहां ध्यान दीजिएगा, बाय एडिंग एस टू द एंडिंग ई आई दिया गया हो डबल ओ हो या ई ओ, इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में यहाँ पर या तो आई ई दिया होगा या डबल ओ होगा या ई और ओ दिया गया होगा लास्ट में, जैसे इसमें क्या दे दिया गया ई और ओ, यहाँ पे हमने दिया गया ई और ओ लास्ट में दिया गया है, तो इसको अगर हमें प्यूलर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा बोलिए, एस एड कर देना है, तो इसी तरीके से आपको एस टी ई आर ई ओ और इसमें आपको सिर्फ क्या जोड़ देना है एस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये जोड़ना है, लिसन अगेन, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जो है कोई वर्ड आता है और उसके लास्ट में जो है अगर आई ई दिया हो डबल ओ हो या ई ओ दिया है, अगर उसको हम प्यूलर में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें केवल क्या जोड़ना होगा ओनली एस। एक आध और देखिए वर्ड, जैसे आपको दिया गया है बम्बू बी ए एम बी डबल ओ, अगर इसको हमें क्या करना है इसको प्यूलर में चेंज करना है तो यू कैन सी हियर इज इन द लास्ट ऑलरेडी गिवन डबल ओ, इसमें डबल ओ दिया गया है तो हमें क्या ऐड करना है ओनली एस, तो इस तरीके से आप यस, तो आप जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्यूलर में चेंज कर सकते हैं, यस बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जो आप कर सकते हैं। अगला देखिए आप नेक्स्ट बेटा, ये बताइए आप लोग, यू ऑल वर्क अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू या यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजिंग? यस सर। कंफ्यूजन? यस सर। आई एम अंडरस्टैंडिंग। यस सर। कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। यस, हाँ तो बिल्कुल अच्छा आपने कहा, अगर हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, हम रिपीट करेंगे और अगर सही चल रहा है, सही समझ में आ रहा है तो डोंट माइंड। अब आगे देखिए आप, अगला इसमें आ रहा है कि बाई चेंजिंग एफ या एफ ई, बाई चेंजिंग
by changing, ये दिया गया f या r कर सकते हैं, r f ही दिया गया आपका, जैसे f ही into b and v e s दिया गया है, to the noun ending ending in f r f e. ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बताया गया है, जैसे इसमें एक वर्ड देखो आप h a l f. एक और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे आपको इसमें आ सकता है कौन सा एफ ही वाला लीजिए, इसमें ऊपर वाले में एफ है और इसमें एफ ही लीजिए. इसमें करना क्या, ध्यान दीजिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि बाय चेंजिंग एफ, जैसे एफ दिया है, ये एफ दिया हुआ लास्ट में, या इसमें नीचे वाले में एफ ही दिया है, देखिए यहाँ पे एफ ही दिया गया, यहाँ पे एफ दिया गया. इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड आएंगे कि लास्ट में किसी में एफ होगा या कोई में क्या दिया होगा, एफ के बाद ई भी दिया होगा. इट मीन्स देयर विल बी सम वर्ड Who will be ending F or क्या चीज F ही, यानी F या F ही से अगर अंत हो रहे हैं तो उनको ये बताया गया कि उनके जगह पे क्या करना है B and ES, यानी हम एक ही बार में कह सकते हैं B ES एड कर देना है इनको हटा करके. जैसे आपको दिया गया हाफ H F हाफ बोलते हैं, L को साइलेंट रखा जाता है. If you want to change this word in the plurals, आपको लिखना होगा H A L एफ को हटा करके बी एस कर देना है, राइट ये जो एस आ गया इसको रिमूव करना है और बी एस आपको एड कर देना है. दिया गया है कि वाइफ दिया गया है, ऊपर वाले में केवल एफ था, नीचे दिया गया है एफ ई, राइट. तो यहाँ भी जब हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट अलाफ वी रिमूव द एफ ई एंड जस्ट एड या रिप्लेस वी ई एस. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आपको दिया गया, लिसन प्लीज केयरफुली ऑल्सो, बाई एडिंग एस, ये दिया गया बाई एडिंग एस, चलिए एडिंग नहीं किया बाई एस कर दिए हैं, टू सम of the nouns ending in F, to some of the noun ending S, ending in F. इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, अभी आपने देखा था कि अगर F या F ही हो तो वहां पे हम जो है F अथवा F ही को हटा करके क्या जोड़ रहे थे वीई एस, लेकिन कुछ ऐसे जो है वर्ड आएंगे कि उनके लास्ट में एफ दिया होगा, उनको एफ को नहीं हटाएंगे, हम केवल एस जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, हिंदी में बोलते हैं जहां पर नियम लागू नहीं होता, तो उसके लिए ये वाला आपको रूल्स दिया गया है. अब देखिए इसमें कौन से ऐसे वर्ड आ रहे हैं, जैसे आपको दिया गया है प्रूफ पी आर डबल ओ एफ, ये प्रूफ दिया गया है. अब इसमें देखिए लास्ट में क्या दिया गया है एफ, राइट. तो अगर इसको हमें चेंज करना है प्यूलर में तो आपको पी आर ओ डबल एफ और इसमें एस जोड़ना होगा. अब आप कहेंगे कि सर इसमें एस एफ दिया हुआ है, आपने इसमें एफ को हटा करके बी एस क्यों नहीं जोड़ दिया, तो वही हम बताए थे कि कहीं कहीं पे अपवाद आता है, एक्सेप्शनल बोलते हैं जहां पे रूल्स लागू नहीं होता, तो ऐसे सेंस में क्या करना होगा, यू हैव टू लर्न दिस टाइप द वर्ड, ऐसे वर्डों को आपको याद करना होगा, वहां पे कोई रूल लागू नहीं होगा. तो इस तरीके से उसमें केवल एस आपको जोड़ना है, जैसे आपको दिया गया है जी यू एल एफ दिया गया, यहाँ भी देखिए आप एफ दिया गया है, यहाँ पे हम आपको एफ हटा करके बी एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दिस वर्ड इज ऑल्सो अंडर द एक्सेप्शनल रूल, देयरफॉर I will add only क्या चीज S. तो इस तरीके से G U L F और S कर देंगे, gulps कर देंगे. चलिए अभी दो तीन rules और रह गए, अभी आपके पास थोड़ा time है तो उसको पूरा करते हैं.
listen carefully. If you have available the books, so please also revise. If no books, don't mind. Only see here carefully and try to understand. अब देखिएगा next. अब आगे इसमें दिया गया some nouns ending in f r f e. देखिए ये भी exceptional में आ रहा है, इसके क्या rules हो सकते हैं? ये दिया गया है some nouns ending in f e r sorry f r f e f e take t a k e take two forms in the plural p l u r l. ये ध्यान दीजिएगा, ये भी दिस इज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग रूल फॉर यू. इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनका जो एंड होगा एफ से होगा या एफ ही दिया होगा. इसके लिए अभी आपने ऊपर रूल्स देखा था, यू हैव सीन टू रूल्स. फर्स्ट अभी आपने देखा था एक्सेप्शनल कि ओनली यू हैव टू एस इफ यू वांट टू चेंज इनटू प्लूरल. अभी उससे पहले आपने देखा कि इफ एनी वर्ड्स इज एंडिंग विद एफ आर एफ ई, इन दैट केस यू हैव टू रिमूव एफ आर एफ ई एंड यूज या रिप्लेस क्या वी ई एस. ये भी आपने देखा था, लेकिन इसमें कुछ और आएगा. लिसन हियर, व्हाट इज डिफरेंस इन दिस रूल, इसमें क्या है. लिसन हियर, इसमें आपको बताने की कोशिश ये किया जा रहा है, जैसे आप देखे यहाँ पे लिखा हुआ है डी डब्ल्यू ए आर एफ, राइट. क्या लिखा हुआ है, ड्वार्फ, बौना जिसको बोलते हैं, स्मॉल पर्सन. अगर इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ड इनटू प्लूरल यू हैव चेंज टू वे, इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने प्लूरल में कर दिया डी आर ए डब्ल्यू एफ दिया गया है, राइट. इसमें हम लाइक दिस केवल एस जोड़ सकते हैं, ओनली एस. लाइक दिस आल्सो कॉल द प्लूरल्स, राइट. हम इसको सेकेंड में ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर ए डब्ल्यू बी ई एस. स्टूडेंट्स हेलो. यस सर. बेटा हमने लिखा है ड्वार्फ्स, एस जोड़ दिया है और उसके बाद दूसरा हमने कर दिया एफ को हटा करके बी ई एस लिखा हुआ है. आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर. हाँ यस सर. यस बेटा, तो दोनों तरीके से हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, दोनों आपका सही माना जाएगा. ओके ओके बेटा. ओके सर. Yes, sir. इसमें से और भी वर्ड आ सकते हैं. देखिए आप नेक्स्ट आपको दिया गया लाइक दिस ईयर, जैसे आपको दिया गया हुफ, राइट. यू कैन आल्सो हियर राइट हुफ एस कर सकते हैं, एस कर दिया आपने. लाइक दिस आल्सो एच ओ डबल ओ और बी ई एस कर देके आप एफ को हटा करके बी ई एस जोड़ सकते हैं. तो लाइक दिस आल्सो चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं. आप देखिएगा नेक्स्ट. हाँ, इस कार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बुक में आपका दिया हुआ है, बिल्कुल हो सकता है. सम नाउन्स डोंट फॉलो एनी ऑफ द एबव रूल्स, यहां देखिएगा ध्यान देंगे आप. सम नाउन्स डोंट फॉलो any of the above rules, any of the above rules. ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे nouns हैं जिस पे कोई भी रूल लागू नहीं होता, कोई सा भी रूल उस पे लागू नहीं होगा. ऐसे कौन से वर्ड हैं? सी हियर, जैसे दिया गया है m o u s e माउस, राइट. इसको प्लूरल में चेंज करना है. यू वांट टू चेंज दिस वर्ड माउस. आल्सो माइस, एम आई सी, याद करो माइस, राइट. माइस सर, माइस. ऑक्स लिखा है ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, राइट. ऑक्सन. नेक्स्ट नंबर लॉस्ट, यस चाइल्ड. नेक्स्ट सी एच आई एल,
D children. Children. Hellos. D-R-E-N. Like this Elata word you can see in the grammar books, there is no use fixed rule. Fix means कोई निश्चित रूल नहीं है, तो इसको आपको याद करना होगा. कुछ और भी वर्ड देखिए आप. याद हो जाएगा. यस, याद हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने. पढ़िए और बढ़िए. यस, नेक्स्ट. आगे दिया गया, सम नाउंस हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म. देखिए, दिस इज आल्सो सरप्राइजिंग. सम नाउंस हैव सेम सिंगुलर एंड यस पी एल यू आर एल प्लुरल फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे वर्ड हैं, दे आर यूज्ड इन बोथ कंडीशन, सिंगुलर और प्लुरल, सेम सेम स्पेलिंग्स. ऐसे आपको दे दिया गया है, बिजनेस आपके बुक में दिया गया, बी यू एस आई एंड ई डबल एस, ये बिजनेस आपका हो गया. इसको भी अगर हमें प्लुरल में चेंज करना है तो आपको सेम लिखना होगा. बिजनेस, बिजनेस, यस, बिजनेस. नेक्स्ट नंबर, जैसे आपको दे दिया गया है डियर, डियर समझ रहे होंगे, हिरन, उसका भी सेम वैसे हो जाएगा, डी डबल ई आर, राइट. हमें पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर में या प्लुरल में, इसके कुछ रूल्स हैं. जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे डियर को लिखना है, राइट, हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डियर आर, डियर आर क्या चीज, डियर्स, डियर इन द, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी. बेटा लाइन देख रहे हैं क्या आप लोग, आर यू सीइंग हियर? Yes, sir. 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 लिखा है, तो मिठाई बिक जाएगा. हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि deer are क्या चीज, deer in the forest, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डी डबल, लेकिन जो आर लगा हुआ है, आर प्लुरल के लिए लगता है. इस वर्ब से आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि ये हमारा डियर जो है वो सिंगुलर में है या प्लुरल में. आर लगा हुआ प्लुरल समझ जाएंगे. अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इज कर दिया लाइक दिस, तो सिंगुलर माना जाएगा. तो इसका इंडिकेशन यही होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर में है प्लुरल में है, तो यू कैन रिकॉग्नाइज ओनली बाय द क्या जी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स. एनी डाउट? हेल्पिंग, नो सर. यस, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए और देखते हैं. 1 मिनट लेफ्ट. देखिए कुछ वर्ड ऐसे दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड्स, राइट. ये ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं इसको जानो आप. 1 मिनट लेफ्ट हो गया, दुकान पर ले जाऊंगा दोस्तों. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं इसको हम जानते हैं. जैसे आपने देखा होगा, लिखा होता है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं, और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं. तो जो इसको हम जैसे होता क्या, कंपाउंड वर्ड को बता देते कि व्हाट इज द कंपाउंड वर्ड. कुछ ऐसे वर्ड दो या तीन वर्डों से मिलाकर बना होता है, राइट. जैसे फादर है, इन हेलो है, सर, यस, तो हियर आर, थैंक यू सर, या थ्री वर्ड्स. तो इसमें जो मेन वर्ड जो होगा, मेन, वो स्टार्टिंग का नाउन होता है. कैरी मिनाटी को फॉलो कर लेना. यस, तो इसको प्लुरल में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो है एस जोड़ना होगा, ये आपका हो जाएगा फादर, इसमें कर देंगे फादर्स हो जाएगा, और उसके बाद इन ला कर देंगे. सॉरी. तो लाइन कैन चेंज. थैंक यू सर. ओके बेटा, थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके बेटा, मेरे मिनट को फॉलो करना है यूट्यूब पे. थैंक यू सर.